नो बट चेक दिवॉस नेक्स्ट इज ओरिजिनल uh, so, uh, uh, कोड जहां पर पड़ा हुआ उस कंपनी का जो कोड ही अगर उन्होंने तो दैट दैट आर दैट इज दी एक तो यहाँ तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम जो कोड होता है उसको आप मिसयूज कर रहे हो या फिर पूरी की पूरी कोडिंग मिस यूज कर रहे हो सो दीज आर दू मेन इशू इन द केस ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट डी पी आर एंटी टेम्पर सोल्यूशन बेटा देर आर सो मैनी वेन अवर वी आर क्रिएटिंग एन ए सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर में एक एंटी टेम्पर सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस होते हैं जो आप सॉफ्टवेयर के बीच में कंपनी इंस्टॉल कर देती है वो उसकी uh, जो कोड होता है वो हैक नहीं हो सकता ठीक है तो वो कंपनी यूज कर सकती है नेक्स्ट इज लीगल क्लॉजेसो वेन एवर यू आर यूजिंग एनी पर्सन इज यूजिंग पैरेटेड सॉफ्टवेयर सो लीगल एक्शन कैन बी टेकन फॉर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग पैरेटेड सॉफ्टवेयर इन लॉ देर आर सो मेनी लीगल क्लॉजेज आर देयर तो कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती है इसका And next is limit the sharing of software code whenever a company is uh, share, uh, creating any software so in place of uh, sharing the code to all the employees final code must be shared with the limited person or number of person clear these are the solution for a digital property right so uh, this uh, we have already discussed copyright trademark and patent we know that uh, patent is exclusive right copyright is a right on any particular model or any particular product ticket and trademark is a any right on any symbol or wording now next term that is in your syllabus is open source okay students uh, tell me what is open source any student yes, but uh, what is what is open source present time open source uh, uh, software uh, are very popular uh, like uh, Mozilla Firefox is open source. You are using a uh, Linux or Linux. This is open source. Android is a open source in class 9th uh, open of Writer, open source, lower glass in paint. It is again open source. What is open source? There are look at here. Basically, uh, softwares are of uh, three different categories. One is called uh, license based. इसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज एम एस वर्ड तो एमएस वर्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ विंडो कंपनी ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज़ तो लाइसेंस बेस्ड इसे कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्लियर तो बिना अगर इफ यू आर नॉट अमाउंट टू कंपनी It means that software is a pirated software and legal action can be taken for this. Now, second side type of software, these are called freeware. Okay. Now, remember one thing when we create the code, okay, we create the code in any programming language, then we create one exe file. जब प्रोग्राम को हम को, आ, बनाते हैं भी कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग इज आफ्टर दैट आफ्टर कंपाइलेन दिस इज मशीन लेवल फाइल डॉटी फाइल कहते हैं इसे एक्सिक्यूटिबल फाइल तो एग्जीक्यूटेबल फाइल यू कांट चेंज दैट जस्ट यू कैन रन दैट फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ यूर इफ यू आर यूजिंग हेअर नोट पैड तो नोट पैड .डॉट .exe फाइल इज हियर ठीक है यहां पे अगर आपके पास exe फाइल आएगी एम विन वर्ड करोगे तो विन वर्ड की आपके पास फाइल है विन वर्ड फॉर एमएस वर्ड तो अगर आप इन फाइल्स को इफ यू ओपन दीस फाइल्स एंड इन नोटपैड वहां पे आपके पास मशीन लैंग्वेज होगी तो मशीन लैंग्वेज को आप चेंज नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल इन माय कोडिंग इफ आई एम सेइंग x 10 y 20 and i print a x plus y so 30 will be displayed on the screen this is coding but whenever i compile this program or interpret this program so uh, there will be exe file in exe files there will be symbols uh, digits uh, alphabets like this आप इसको खोल के देखोगे तो आपको ये होगा हाँ दिस फाइल को हम एग्जी रन कर सकते हैं वी कैन वी कांट रीड दिस फाइल आप इस फाइल को रीड नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नोटपैड ओपन किया नोटपैड की ईएग्जी फाइल है ठीक है नाउ इफ आई सर्च हियर ईएग्जी फाइल फॉर एग्जांपल लुक एट हियर सो मेनी ईएग्जी फाइल्स आर देयर अगर मैं इन फाइल्स को ये देखो बेटा मैंने एक यहां पे ई एक्स फाइल ओपन कर रहा हूं यहां हियर दिस इज विन जिप विन जिप आप रन करते हो इट्स ओके बट व्हेन आई ओपन दिस फाइल इन नोट पैड दिस इज लाइक दिस मई दिस इज मशीन लैंग्वेज बट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कोड योर कमांड्स आर रीडेबल बट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन दीज आर इन नॉन रीडेबल फॉर्मेट तो कंपनीज कंपनी नाउ ये जो मेन फोकस हमारे पास है नाउ लुक एट इी बियर में रिमेंबर वन थिंग फ्रीवेयर में दी दी कंपनी गिव यू यूगी फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बट दे नेवर शेयर कोडिंग इट मींस इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोर दैट इज फ्रीवेयर दंपनी इज प्रोवाइडिंग यू दी फाइल ठीक है एपिक फ्री ऑफ कॉस्ट दोवाइडिंग यू दी एक् बट दे नेेयर द कोडिंग क्योंकि कोडिंग अगर चेंज होगा अगर आपके पास कोडिंग अवेलेबल हो गई तो आप इजिली यू कैन मैनुपलेट दी कोडिंग क्लियर तो फ्रीवेयर शोर सॉफ्टवेयर ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज क्लियर ठीक है कुछ सॉफ्टवेयर uh, होते हैं फ्रमवेयर जैसे आप वेन एवर इज यू स्टार्ट यूर कंप्यूटर सिस्टम जो बिगिनिंग में देर इज ए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ब्लैक स्क्रीन आती है कंपनी uh, का नेम लिखा होता है या फिर उसके बाद विंडोज के नेम आते हैं प्रेस एफ वन प्रेस एफ टू दैट इज फॉरमेयर ओके एंड लास्ट टर्म इज ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे बी पेड मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेड भी हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं बट इट्स कोडिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इफ देर इज ए इन देश गूगल क्रॉम ठीक है आप सॉरी मजिला फायरफॉक्स आप इंटरनेट में इसकी कोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सर्च करना कोडिंग बिलिवियबल है बट मेमर वन थिंग कोडिंग इज यू कैन चेंज द कोडिंग इफ यू हैव ए नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू हैव नो एनी नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज यूजलेस फॉर यू So that's why, अगर देखा होगा एंड्रॉयड अगर आप अलग मोबाइल में देखो तो एंड्रॉय में डिफरेंट होता है थोड़े से ठीक है अगर वो विवो में है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन द केस ऑफ सैमसंग इट इज डिफरेंट रीजन इज इट इज एपन सोर्स एंड्रॉयड फर्स्ट बिगनिंग में देर वॉज ए सेपरेट कंपनी उसके बाद गूगल कंपनी ने इसको परचेज कर लिया था ये ओपन सोर्स के अंडर आती है और अलग अलग कंपनी अपने मुताबिक उसमें चेंजेस करती है बट रिमेंबर वन थिंग अगर आपके पास एप्पल का जो अगर सॉफ्टवेयर है ठीक है वो किसी के शेयर नहीं होता वो सिंगल एक ही कंपनी यूज कर रही है ओपन सोर्स कंसेप्ट इज क्लियर सो हियर सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट मे बी पेड बट कोडिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ Your question may be ki why they provide open source coding? In, in the case of open source, they provide coding. Their thinking is different. They think that uh, suppose we are doing something, its knowledge is from society. For example, अगर आप कोई आ, एक बोहिम लिख रहे हो या एक आपने एक book लिखी हुई है, इसकी knowledge कहाँ से मिली? Society से मिली है। तो society के लिए आपने society से knowledge ली है, society के लिए, लिए, लिए चीजें ओपन so एक, एक सोर्स एक, एक की और प्रेजेंट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स आ open source के रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स और लाइनिक्स भी कहते हैं उसकी एज थी सेवनटीन ईयर एट दैट टाइम कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं थे यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर होते थे बहुत एडवांस। पर थर्टी सिक्स totally uh, uh, तक रैम होगी टीवी तक ठीक है और यहाँ पे हम कौन सी यूज कर रहे हैं फोर और मैक्सिमम एट और इससे भी ज्यादा सिक्सटीन कर लेंगे इसमें प्रोसेसर भी उसमें थ्री फोर प्रोसेसर एट ए टाइम वर्क कर रहे होते हैं तो दी इन यूनिवर्सिटीज एंड इन रिसर्च वर्क वी आर यूजिंग मोर एडवांस कंप्यूटर्स तो प्रॉब्लम ये थी कि uh, उसने क्या किया एक आप सर्च करना नेट पे भी उसने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया उसकी कोडिंग इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में वो चल रही थी अब उसने वो कोडिंग घर पे लेके आया और घर के कंप्यूटर में उसकी चली नहीं तो ही वॉज थिंकिंग कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए ऑन दैट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंप्यूटर चलने चाहिए सारे प्रोग्राम चलने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आफ्टर वर्क ही ए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम टू फ्रेंड्स टू यूज करो बहुत अच्छा देखो आप उसको वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते करते पूरे वर्ल्ड में उसकी पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी एंड दैट

ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर जिस, जिसने पॉपुलर किया वो मैं आपको एक आई टी पर्सनैलिटी शो कर रहा हूं रिचर्ड स्टॉलमैन और ही इज कैन से इसको क्रेडिट जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रेजेंट टाइम में पॉपुलरिटी के लिए डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज और वहाँ के प्रेजिडेंट uh, तो उस, उनके साथ जो मीटिंग में है वो ओपन सोर्स को प्रमोट करता है तो वेन uh, uh, अब्दुल कलाम जब इंडिया के वो थे uh, प्रेजिडेंट थे उसके साथ इसकी मीटिंग नियर अबाउट वन आवर चली थी एंड आफ्टर वन आवर Uh, जो राष्ट्रपति भवन है उसके जितने भी सॉफ्टवेयर uh, से उसमें विंडोज को तो हटा के लाइन इंस्टॉल हुआ था मतलब सच ए पर्सनैलिटी सो नो सो ओपन सोर्स कंसेप्ट इज क्लियर सो ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर योर योर कोडिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओके एंड रिमेंबर वन थिंग इफ यू डाउनलोड द कोडिंग

ठीक है तो ये नहीं कि दिस इज माई प्रोडक्ट नाउ आई विल चार्ज द मनी दिस इज माई बिजनेस ओके दिस इज ओपन सोर्स सो इट इट इज गिव अस कंसेप्ट फ्रीडम टू रन फ्रीडम टू यूज फ्रीडम टू चेंज ओके तो वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर ठीक है वी कैन चेंज दॉफ्टवेयर नाउ हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर फ्रीवेयर राइट टू यूज दॉफ्टवेयर विदाउट एनी चार्जेस दिस इज दिन बिटवीन ओपन सोर्स एंडवेयर सॉफ्टवेयर बेटा ये फ्रीवे में फ्रीवेयर में है ये ओपन सोर्स में नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीवेयर इस uh, ये उन्होंने देखो रिचर्ड स्टॉलमैन ओके सो उसने डिफाइन किया है वॉट इज मीनिंग ऑफ फ्रीवियर सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर इज ए मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस वहां पर uh, आपके पास यू, यूज करने की लिबर्टी आपके पास है बट प्राइसिंग uh, नहीं है यहाँ पे ठीक है सो दिस इज इन समराइज वे एंड वी कैन यूज विदाउट एनी कॉस्ट नो नेक्स्ट इज एगा आपके पास अबाउट आता है या लाइसेंस आता है ना वहां पर रीड करोगे इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर रीड होगी तो उनमें कुछ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स है फर्स्ट इज नो रिस्ट्रक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर This uh, open source is a free, uh, it is a freely distributable uh, uh, product. Okay, so no restriction on distribution of software. I can give you, okay, no any restriction. Next is the program must include source code and allow its distribution. The program is with the source code, its source code means its coding is with you and you can uh, and allow its distribution.

mozilla firefox so i will have to give the credit to the original creator next is the license must be discriminate uh, will not must not discriminate among the against any person this is not for indian this is not for uh, uh, pakistan this is not for this uh, uh, this religion ticket we can't discriminate no discrimination uh, against the field of किसी भी ये आप ये नहीं है कि आपने वी कैन गिव कैन गिव सॉफ्टवेयर हो नेक्स्ट इज लाइस मस्ट नॉट स्पेसिफिक ओपन ऑफिस इट मीन इट इंक्लूड ऑल दॉफ्टवेयर ऑफ दैट ठीक है तो किसी एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि आ, अगर आपने कोडिंग चेंज करनी तो एम एस ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर की कोडिंग चेंज करोगे इंप्रेस की नहीं कर सकते So this is not for a particular product it is open for all the products license must not restricted other software it will not restrict it. you can't use if you are using uh open of a dot org writer you can't use the ms word so this is open there is, there is no any type of restriction license must be technology natural technology nature means with the applications इन अगर आपके जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेंजेस किया है तो वो चेंजेस आप बाकी के साथ शेयर करोगे नेचर नेचर की एक ग्रोथ होती है ना बेटा इन द सेम वे सॉफ्टवेयर में भी वर्जन आते हैं अलग अलग वर्जन तो हर एक वर्जन आप जैसे कर रहे हो तो उसको आप बाकी के साथ शेयर करोगे सो नेक्स्ट इज देर आर सम मोर टर्म्स वन टर्म इज फ्लॉस ठीक है फ्लॉस अब फ्लॉस और कस डिफरेंस क्लियर का होना चाहिए आपको लुक एट कैटर if you are using open source okay open source software and these softwares are also freeware clear freeware bhi hai open source bhi hai aise softwares ko hum kehte hain floss theek hai yahan pe bhi term aayi nahi hai yahan pe dikhe aayegi floss f l o s, -S. free libre open source ठीक है फ्लॉस आगे जाके टर्म भी आएगी नाउ आर नाउर इट इज कोल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सो एनी सॉफ्टवेयर दैट इज इट्स कोड कोडिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज कोल्ड ओ एस एस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट इज ए शॉर्ट फॉर्म यू कैन से नेक्स्ट इज फ्लॉस आ गया बेटा

ओपन सोर्स का एग्रीमेंट होता है उसे उसके लिए हम आगे जाके डिस्कस करेंगे एक वर्ड है जी एन यू नॉट यूनिक्स नाउ इफ यू सर्च दिस वर्ड इन इंटरनेट यू विल फाइंड द इमेज ऑफ वन एनिमल ठीक है अब ये एनिमल की उसके साथ लिंकिंग कैसे है ठीक है पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा तो दिस इज ए वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल मींस फ्री ओपनली ये कहीं भी भी जा सकता है तो एक तो फ्रीडम है ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज इंटरनेट में आपको कई टर्म्स ऐसी मिलेंगी लुकैटर इन फुलट फॉर्म फुल फॉर्म भी आ रही है देखो इधर जी एन यू जी स्टैंड फॉर जी एन यू एन स्टैंड फॉर नॉट यू स्टैंड फॉर यूनिक्स ओके इसका मतलब इसकी जो फुल फॉर्म में भी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आदमी होती है ऐसे कई ऐसे टर्म्स हैं इंटरनेट में मैं आपको बारे में डिस्कस करूंगा अब इसका मतलब यह है फोर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनेक्स लाइनेक्स इज एपन सोर्स देयर वॉज ए वन वेरी वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूनिक्स आपने सुना होगा डॉस uh, के बारे में ठीक है डॉस इज ए सीवाई कमांड बेस्ड इंटरफेस जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टाइपिंग करके होता है बट डॉस वास अभी भी डॉस अवेलेबल है डॉस वॉज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसी समय एट द सेम टाइम देर वॉज वन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स दैट वॉज कमांड बेस्ड बट दैट वॉज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है मल्टी यूजर कितने यूजर एट ए टाइम उसको यूज कर सकते थे आप उसको सु, आ, सुपर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे ठीक है तो जब ये यूनिक्स बना लाइन बना तो कंफ्यूजन होगी इसकी जो वर, आ, वर्किंग है ना बिल्कुल सेम ये यूनिक्स जैसी है इसमें फाइल्स का स्ट्रक्चर ठीक है एग्जैक्टली सेम टू यूनिक्स तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इट इज नॉट यूनिक्स यूनिक्स नहीं है इट इज सिमिलर टू यूनिक्स बट इट इज नॉट यूनिक्स तो यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो ग्नू इज ए नेम ऑफ द एनिमल इट शो द्रीडम सो इन द सेम टाइम दे आर से यूनिक्स दिस इज ए डिफरेंट ओके कंसेप्ट इज क्लियर क्स्ट इज एफ एस एफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन सो बेटा आ, दिस वॉज ए मैंने आपको डिस्कस किया था रिचर्ड स्टॉलमैन किया था अभी डिस्कस ही प्रियटेड ए ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ यू कैन से दैट प्रमोट ओपन सोफ्टवेयर फ्री ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर वो ये नहीं ओपन सोर्स तो एक लक कंसेप्ट है ना तो वो हमेशा प्रमोट करता फ्री में सॉफ्टवेयर फ्री में होने चाहिए ठीक है तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन 1985 एंड इट इज फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इस फाउंडेशन में पूरे वर्ल्ड में जितने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं फ्रीवेयर तो सारे इसके मेंबर्स हैं सारी की सारी कंपनी सो दिस इज ए तो इट्स वर्क इज टू प्रमोट फ्रीवेयर but uh, they code coding this is uh, my choice okay so some companies suppose a uh, uh, microsoft company because due to the uh, revenue they never share the coding okay so this depends uh, company to company Thank you. So uh, now time is over. Uh, online students, uh, please send the attenders. Who will send the attenders? To Nancy, ma'am. Hmm? Ayush, sure, send the attenders to Nancy, ma'am. बेटा कल आपका ये